हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, क्लास फोर्थ ईवीएस का हम चैप्टर थ्री पढ़ रहे थे, उसके हम अगले वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है आधा, अब हम आ गए हैं अगले पार्ट में जो है अवर टंग। अवर टंग का मतलब हमारी जबान, ठीक है। अवर टंग इज ए सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ द फूड दैट वी आर ईटिंग। हमारा जो टंग है वो एक सेंस ऑर्गन है जो हमें हमारी मदद करता है कि हम जो खाना खाते हैं उसका टेस्ट बताने के लिए। जैसे आपने देखा ना, मीठा है तो स्वीट, नमकीन है तो सॉल्टी, सौर है तो खारा, बिटर है तो कड़वा, ये सारा टेस्ट कौन बताता है? तो ये टेस्ट कौन बताता है? हमारा टंग हमें ये टेस्ट बताने में क्या करता है, मदद करता है। वी हैव फोर मेन टेस्ट बर्ड। हमारे कितने टेस्ट बताने के बर्ड है हमारे टंग में? फोर। तो यहाँ पे देखो, ये फोर टेस्ट बर्ड है। ईच टेस्ट बर्ड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन, और ये सारे जो टेस्ट बर्ड है वो हमारे ब्रेन यानी हमारे माइंड या दिमाग से कनेक्ट रहते हैं। किसके द्वारा? नर्व्स के द्वारा। जो नर्व्स का बंडल है जो टेस्ट बर्ड से लेकर कहाँ जा रहा है? ब्रेन में जा रहा है। द इम्पल्स फ्रॉम द टंग रीच द ब्रेन विद इन सेकेंड। तो हम कुछ भी चीज टेस्ट यानी टंग में टच करते तो वहाँ का जो टेस्ट है वो सिग्नल के थ्रू किसके पास पहुँच जाता है? ब्रेन के पास पहुँच जाता है। और ब्रेन टेल अस द टेस्ट एंड इमीडिएटली टेल इफ द फूड इज स्वीट, सॉर, बिटर और सॉल्टी। और उसके बाद ब्रेन हमें बताता है, फटाफट बताता है कि खाना मीठा है, नमकीन है, कड़वा है ना, सौर है या सॉल्टी यानी नमकीन है। ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है? ब्रेन बताता है। सौर यानी खारा, बिटर यानी कड़वा, सॉल्टी यानी नमकीन, स्वीट यानी मीठा। डिफरेंट एरिया ऑफ टंग आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट। यानी ये पूरा टंग है, इसके अलग अलग एरिया बने हुए हैं, उन अलग अलग एरियाओं में अलग अलग टेस्ट का क्या लगता है, पता लगता है। द टेस्ट बर्ड नियर द टिप ऑफ द टंग टेल अस वेदर द फूड इज सॉल्टी और स्वीट। और यही टंग हमें बताता है कि हमारा जो खाना है वो खारा है या नमकीन है या स्वीट यानी मीठा है। टेस्ट बर्ड फॉर बिटर टेस्ट आर एट द बैक ऑफ द टंग। और जो बिटर टेस्ट यानी कड़वा जो टेस्ट होता है वो हमारे टंग के पीछे की तरफ रहता है। द बर्ड ऑन द साइड ऑफ द टंग हेल्प अस टू आइडेंटिफाई सॉर टेस्ट। और साइड में जो बर्ड्स रहते हैं यानी साइड का जो हिस्सा रहता है वो हमें बताता है कि टेस्ट सॉर है या नहीं। टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक। टंग हमें बोलने में भी क्या करता है, मदद करता है। स्पीक यानी बोलना, तो टंग हमें किस में मदद करता है? बोलने में भी मदद करता है। होल्ड यूअर टंग एंड ट्राई टू स्पीक। आप अपने जिबान को पकड़ो और बोलने की कोशिश करो तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पीक। तब आपको पता लगेगा कि बिना टंग का यूज़ किए बोलना बहुत ही कठिन है। अगर आप टंग को पकड़ लोगे और बोलने की कोशिश करोगे तो वो बहुत कठिन होगा। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड स्पीक। आप कांच के सामने खड़े हो और टंग को पकड़ो और बोलने की कोशिश करो। यू सी योर टंग रोल व्हेन यू स्पीक। और जब अगर टंग को नहीं पकड़ोगे और बोलोगे तो आप देखोगे कि आप जब बोल रहे हो तो आपके टंग क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं यानी घूम रहा है। दिस रोलिंग एक्शन ऑफ टंग हेल्प अस टू प्रोनाउंस द वर्ड। और ये टंग जो घूमने का जो एक्शन करता है इसी के कारण हम हर वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस यानी बोल पाते इन द करेक्ट मैनर। और सही तरीके से हम लोग क्या कर पाते, बोल पाते। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी टंग की मदद से आप क्या करते हो, स्पीक करते हो, स्पीक यानी बोलते हो। तो टंग हमें बोलने में भी, टंग दो काम में आपकी मदद कर रहा है, एक तो टेस्ट पता लगाने के लिए खाने का और एक इसके बाद बोलने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है टंग हमें दोनों चीज़ों में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है टीथ ऑफ एनिमल्स। सब एनिमल्स के भी क्या होते हैं, अलग अलग तरह के दांत होते हैं। एनिमल टू नीड टीथ टू च्यू द फूड दैट दे ईट। एनिमल के पास भी क्या होते हैं, टीथ होते हैं ताकि वो खाने को चबा सके। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। हर एनिमल के अलग तरह के, देखो देखो ये बफेलो के टीथ है, ये किसके टीथ है, टाइगर के टीथ है। ग्रास ईटिंग एनिमल, जो घास खाते हैं एनिमल, घास खाने वाले एनिमल जैसे काऊ है, शीप है, गोट है, बफेलो, इनके दांत कैसे होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग का मतलब पीसने वाले, क्योंकि इनको चबा चबा के खाना है।
तो ग्राइंडिंग टीथ, तो इनके टीथ कौन से होते हैं आप ध्यान रखना, ग्राइंडिंग टीथ किसके होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ घास खाने वाले, लेकिन फ्लैश खाने वाले, फ्लैश यानी मांस, जैसे टाइगर है वो क्या खाता है, फ्लैश खाता है, मांस खाने वाले एनिमल जैसे लायन है, टाइगर है, हैव टीयरिंग टीथ, उनके कौन से टीथ होते हैं, टीयरिंग, टीयरिंग का मतलब फाड़ने, फाड़ने वाले दांत होते हैं, उनके कौन से दांत होते हैं, फाड़ने वाले दांत होते हैं, क्योंकि उनको अपने शिकार को पकड़ के क्या करना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है। तो घास खाने वालों के कौन से टीथ होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ, मांस खाने यानी फ्लैश खाने वालों के कौन से टीथ होते हैं, टीयरिंग टीथ। डॉग एंड कैट हैव शार्प, और डॉग और कैट होते हैं उनके तीखे लंबे कैनिन टीथ होते हैं, सो दैट इट बिकम ईजी फॉर देम टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे, ताकि वो आसानी से पकड़ सके अपने प्रे को, प्रे का मतलब होता है यहाँ पे शिकार, उनका जो शिकार होता है ना उसको पकड़ने के लिए उनके तीखे और लंबे कैनिन टीथ होते हैं। हमने टीथ के बारे में आगे पढ़ लिया, कैनिन इंसेसर है ना, वो सब आप पहले पढ़ चुके, शिकार को पकड़ने के लिए उनके क्या होते हैं, एक तो शार्प तीखे और लंबे कैनिन टीथ होते हैं ताकि वो शिकार को अच्छे से पकड़ सके। तो आपको ध्यान रखना, घास खाने वालों का कौन सा टीथ होता है, ग्राइंडिंग टीथ, फ्लैश यानी मांस खाने वालों का कौन सा होता है, टीयरिंग टीथ। तो अब ये हमारा चैप्टर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम आ गए टिक मार्क में, तो टिक मार्क को कर लेते हैं। ए चाइल्ड हैज़ डैश मिल्क टीथ, एक बच्चे के कितने दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ कितने होते हैं, तो कितने मिल्क टीथ होते हैं, 20, कितने मिल्क टीथ होते हैं, 20। एन अडल्ट हैज़ डैश परमानेंट टीथ, एक अडल्ट आदमी यानी एक जवान आदमी के कितने परमानेंट टीथ होते हैं, परमानेंट का मतलब फिक्स, फिर वो टूटेंगे नहीं, तो कितने होते हैं, 32, कितने परमानेंट टीथ होते हैं, 32। डैश आर द च्यूविंग टीथ, ऐसा कौन सा दांत है जो चबाने में मदद करता है, तो वो है मोलर्स, कौन सा है, मोलर्स, कौन सा है, मोलर्स। ए ब्लैक होल इन द टूथ इज, जो काले होल हो जाता है हमारे दांत में उसको क्या बोलते हैं, कैविटी, क्या बोलते हैं, CAVITY, कैविटी। अवर टंग हैज डैश टेस्ट बर्ड, हमारे टंग में कितने टेस्ट बर्ड है, 4, कितने हैं, 4, याद है ना आपको, स्वीट, ये याद रखना, स्वीट, सॉल्टी, सौर और फिर क्या है, बिटर, ये हमारे 4 टेस्ट बर्ड होते हैं, किसमें होते हैं, टंग में कितने टेस्ट बर्ड होते हैं, 4 टेस्ट बर्ड होते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे, एट एज ऑफ 6, 6 साल की उम्र में डैश टीथ बिगेन टू फील फॉल, कौन से दांत गिरने लग जाते हैं, तो दूध के दांत, दूध यानी मिल्क टीथ, कौन से टीथ, MILK, मिल्क टीथ। 6 साल की उम्र में कौन से दांत गिरने लग जाते हैं, तो मिल्क टीथ गिरने लग जाते हैं। देयर आर डैश टाइप ऑफ टीथ इन अवर माउथ, हमारे माउथ में कैसे टीथ है, सारे सिमिलर है, सिमिलर का मतलब सारे एक जैसे या डिफरेंट, सारे अलग अलग है, तो हमें पता है कि हमारे मुंह में सारे कौन से हैं, डिफरेंट तरह के टीथ, DIFFERENT, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन अवर माउथ। वी शुड ब्रश एटलीस्ट डैश इन ए डे, एक दिन में कितनी बार ब्रश करना है, ट्वाइस यानी 2 बार हमें क्या करना है, ब्रश करना है, तो एक दिन में आपको कितनी बार ब्रश करना है, ट्वाइस का मतलब 2 बार करना है। डैश रिमूव द फूड दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई ब्रशिंग, यानी हम ब्रश करते हैं तब बहुत सारे खाने के आइटम हटते नहीं है, रिमूव नहीं होते, रिमूव यानी दांत से हटते नहीं है, तो उनको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर फ्लोसिंग, क्या करना पड़ता है, फ्लोसिंग, ये जब चैप्टर पढ़ाया था तब हमने पढ़ा था ना, हम फ्लोसिंग करके दांतों से खाने को हटा सकते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल, जो घास खाने वाले जानवर है जैसे काऊ है, शीप है, गोट है, बफेलो है, इनके दांत कैसे होते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था कैसे होते हैं, ग्राइंडिंग यानी पीसने वाले दांत होते हैं, ग्राइंडिंग, GRINDING, ग्राइंडिंग टीथ, इनके कैसे दांत होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। तो हमने ये चैप्टर को भी ख़त्म कर दिया और 2 एक्सरसाइज कर ली, तो आप ये टिक मार्क और फिलअप को अपनी कॉपी में करके इनको याद करना, अगले वीडियो लेक्चर में हम बाकी का चैप्टर कंप्लीट करके पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।